यानी परमानेंट ऑन हो चुका है, राइट। अब आप चाहते हैं कि इसको ऑफ करना है, तो उसके लिए आप एक अलग से इनपुट ले लीजिए, और ऑफ कराने के लिए अगर लैच इंस्ट्रक्शन से कोई आउटपुट ऑन होता है तो ऑफ कराने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसको अनलैच इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। यानी इनपुट एड्रेस आप यहां से दूसरा ले लीजिए वन नंबर, बट जिस आउटपुट को लैच किया है उसी को ऑफ कराना है, तो सेम एड्रेस अनलैच पे भी देना होगा। यानी लैच पे जो आउटपुट मैंने दिया है सेम एड्रेस यहाँ दे दिया, यानी लैच के थ्रू जो आउटपुट ऑन होगा अगर उसको ऑफ कराना है अनलैच कराना है तो सेम आउटपुट एड्रेस मैंने यहाँ ले लिया, और इसको यहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिए। तो इस तरीके से यानी आप एक ही लाइन में जो आप होल्डिंग लगाते थे स्टार्ट स्टॉप बनाते थे उसकी जगह आप लैच अनलैच इंस्ट्रक्शन का भी यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है जिसका यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं एंड डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, जैसे इनपुट दिया तो मेरा आउटपुट क्या हो गया परमानेंटली, यहाँ से देखेंगे ये आउटपुट मेरा ऑन हो गया। अगर कमांड ऑफ कर देंगे तो भी मेरा आउटपुट परमानेंट ऑन है। आप कितने भी बार यहाँ पे इनपुट ऑन ऑफ करा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आउटपुट ऑन हो चुका है। अगर आपको ऑफ करना है तो दूसरा इनपुट जैसे कमांड यहाँ से देंगे तो देखिए अनलैच हो गया, यानी जो आउटपुट ऑन हुआ था वो ऑफ हो गया। यानी लैच इंस्ट्रक्शन का पर्पज होता है एक आउटपुट को परमानेंट ऑन करना, और अनलैच इंस्ट्रक्शन का पर्पज ये होता है एक आउटपुट को परमानेंट ऑफ करना। तो होल्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है, और ये इंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी वीडियोज के लिए लगातार मेरे चैनल को फॉलो करें और लगातार सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोज को एंड लगातार चैनल को फॉलो करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, आगे वीडियोज और पाने के लिए लगातार फॉलो करते रहें। थैंक्स फॉर